गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश सैनी, पीजीटी मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोरी, डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी, आपका इस प्रसारण में स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, कल हमने मैट्रिक्स के इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर हम कैसे फाइंड करते हैं, किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे फाइंड करेंगे, किसी मैट्रिक्स में जब सिर्फ एक रो हो तो उसका नाम क्या होगा, एक कॉलम हो तो उसका नाम क्या होगा, और किसी मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कब कहेंगे, ये सारी बातें हमने कल के लेक्चर में पढ़ ली थी। आज हम एक्सरसाइज 3.1 शुरू कर रहे हैं। तो इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसमें एक मैट्रिक्स हमें गिवन है और उस मैट्रिक्स ए में ये एलिमेंट्स लिखे हुए हैं जो आपकी स्क्रीन पर है। अब आपको इनमें से कुछ क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। तो जो पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स, तो कल हमने पढ़ा था कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए हमें देखना पड़ता है कि उस मैट्रिक्स में कितनी रो है। तो यहां नंबर ऑफ रोज, ये पहली रो है, आप R1 कह दें, ये दूसरी रो है और ये रो तीसरी। तो तीन यहां पर रो हैं और कॉलम्स कितने हैं, ये पहला कॉलम है, ये दूसरा है, ये तीसरा कॉलम है और ये चौथा कॉलम है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए का मतलब है 3 × 4 इज 3 × 4। अब दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि इसमें कितने एलिमेंट्स, तो एलिमेंट्स तो आप काउंट कर ही सकते हैं, लेकिन आपको अगर ऑर्डर मालूम है तो ऑर्डर आप लिख लीजिए और उनका जो भी प्रोडक्ट आता है वही इनका नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी होगा। तो यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 12 है जो कि 3 × 4 का रिजल्ट है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 3 × 4 यानी कि 12। अब तीसरे क्वेश्चन में हमसे कुछ एलिमेंट्स के बारे में पूछा गया। आप जब भी एलिमेंट्स को लिखें थोड़ा लिखने का तरीका ध्यान रखें कि जब भी आप एलिमेंट्स लिख रहे हैं तो स्मॉल लेटर्स का यूज किया जाएगा, नीचे सबस्क्रिप्ट लिखी जाएंगी। तो पहले हम बात करते हैं A13 क्या है। A13 का मतलब है कि आपको एक ऐसा एलिमेंट लिखना है जो फर्स्ट रो में हो और थर्ड कॉलम में हो। तो फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम का एलिमेंट्स यहां पर 19 है, तो A13 आप लिख देंगे 19। फिर उसके बाद पूछा गया A21 कितना है। A21 का मतलब है कि सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट है वो कौन सा। तो सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट है वो 35 है। अब इसी प्रकार से हमसे पूछा गया A23 ये एलिमेंट कौन सा है। तो A23 का मतलब सेकंड रो में जो थर्ड कॉलम वाला एलिमेंट है वो A23 पर है। तो ये सेकंड रो है और थर्ड कॉलम है 5/2। और इसी तरह से A33 यानी कि थर्ड रो में थर्ड कॉलम वाला जो एलिमेंट है वो A33 है। तो ये थर्ड रो है, थर्ड रो में थर्ड कॉलम का एलिमेंट है -5, तो ये -5 A33 की वैल्यू रखता है। तो इस तरह से हम किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं और पर्टिकुलर कोई एलिमेंट्स भी हम फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है उसमें हमसे कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 दोनों एक ही जैसे क्वेश्चन हैं, तो हम क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि किसी मैट्रिक्स में 18 एलिमेंट्स, तो उसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होंगे। 18 एलिमेंट्स हैं तो 18 के आप फैक्टर कर लें, तो पॉसिबल ऑर्डर्स आप लिख सकते हैं क्या क्या होंगे। तो पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे, पहला ऑर्डर हो सकता है 1 × 18, दूसरा ऑर्डर 1 × 18 का मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें एक रो है, 18 कॉलम्स है, यानी ये एक रो मैट्रिक्स भी। दूसरा ऑर्डर हो सकता है 2 × 9 का,
दो रो हो, नौ कॉलम्स हो। अगला ऑर्डर हो सकता है 3 × 6 का, यानी जिसमें 3 रो हो और 6 कॉलम हो। 4 को किसी भी संख्या से गुणा करने पर 18 नहीं आ सकता, तो 4 नहीं आएगा। 5 के साथ भी किसी संख्या को गुणा 18 नहीं होता, लेकिन अब 6 × 3 जरूर हो सकता है, यानी अब हम रिपीटिशन ले सकते हैं रिवर्स ऑर्डर में, तो एक और ऑर्डर हो सकता है 6 × 3 का। अगला मैट्रिक्स हो सकता है 9 × 2 का, और एक और मैट्रिक्स हो सकता है इसमें 18 एलिमेंट्स हों और ऑर्डर उसका 18 × 1 हो। तो ये उस मैट्रिक्स के पॉसिबल ऑर्डर्स हैं जिसमें 18 एलिमेंट हो सकते हैं। अब एक और इसी में साथ में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अगर कोई मैट्रिक्स है और उसमें 5 एलिमेंट हैं तो क्या ऑर्डर हो सकते हैं। तो अगर 5 एलिमेंट हैं, फॉर 5 एलिमेंट्स ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं। यहाँ पर हो सकता है 1 रो हो, 5 कॉलम हो, या फिर 5 रो हो, 1 कॉलम। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला जो मैट्रिक्स है 1 रो 5 कॉलम है, तो इसमें रो सिर्फ एक है, तो ये रो मैट्रिक्स है। दूसरा जो मैट्रिक्स बना जिसका ऑर्डर 5 × 1 है, जिसमें 5 रो हैं, कॉलम एक ही है, तो ये एक कॉलम मैट्रिक्स का एग्जाम्पल भी है। इसके बाद में हमसे पूछे जाते हैं कुछ क्वेश्चंस जहां हमें किसी मैट्रिक्स के फॉर्मूलेशन का एक फॉर्मूला दिया जाता है और उसकी हेल्प से हमें मैट्रिक्स बनाना होता है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 ले रहे हैं जहां हमें किसी मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना है। तो कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स, और ऑर्डर भी हमें दिया हुआ होना चाहिए, कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर जो हमें दिया गया है 2 × 2 का, और उसका जो जनरल एलिमेंट है ए आई जे जिसे लिखते हैं, उसके रूल्स हमें दे दिए जाते हैं। हम इसमें से एक पार्ट ले लेते हैं। मान लीजिए हम फर्स्ट पार्ट लेते हैं, तो आईजेथ एलिमेंट का रूल है आई प्लस जे का स्क्वायर अपॉन में 2। अब हमें ये मैट्रिक्स बनाना है। मैट्रिक्स बनाने के लिए आप पहली बात ये देखें, आप क्योंकि आप शुरुआत कर रहे हैं मैट्रिक्स की, तो आप देखें कि जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर 2 × 2 है, यानी 2 रो हैं, तो 2 रो पहली रो और 2 ही कॉलम है, यानी इस तरीके से कुल मिलाकर 4 एलिमेंट है। यहाँ A11 है, यहाँ A12 है, ये पोजीशन A21 की है और ये पोजीशन A22 की। तो मुझे 4 एलिमेंट्स फाइंड करने। हम बारी बारी से इन सब एलिमेंट्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। A11 का मतलब है कि जो हमें जनरल एलिमेंट दिया हुआ है, आईजेथ एलिमेंट दिया हुआ है, वहां आई को 1 से रिप्लेस करें। जो पहला नंबर है वो आई के लिए है और दूसरा नंबर जे के लिए। तो A11 का मतलब होगा 1 + 1, इसका स्क्वायर करना है और 2 से डिवाइड। 1 और 1 यानी 2, और 2 का स्क्वायर हो गया 4, और 4 को हम करेंगे 2 से डिवाइड, यानी कि 2। अब A12 फाइंड करते हैं। A12 का मतलब है कि आई की वैल्यू 1 है और जे की वैल्यू 2, तो 1 + 2 इसका स्क्वायर करें और 2 से डिवाइड। तो 1 + 2 यानी 3, और 3 का स्क्वायर हो गया 9/2, तो ये A12 हो गया। इसके बाद हमें जरूरत पड़ेगी A21 की, यानी इस बार आई की वैल्यू हमें जो लेनी है वो 2 लेनी है, जे की वैल्यू लेनी है 1। तो 2 + 1 इसका स्क्वायर करें, 2 से डिवाइड करें। 2 + 1 यानी 3, 3 का स्क्वायर एक बार फिर 9, और 2 से डिवाइड कर दें। और अब A22 फाइंड करेंगे, जहां आई भी 2 लेना है और जे भी 2। तो 2 + 2 का स्क्वायर करें और 2 से डिवाइड। 2 + 2 यानी 4, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 16 को आप 2 से डिवाइड कर दें, 8 भी लिख सकते हैं। तो जो मैट्रिक्स हमारा रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है,
उसमें अभी वैल्यूज रिप्लेस कर देते हैं। ए वन वन यानी टू है, ए वन टू की वैल्यू 9/2 है, ए टू वन की वैल्यू एक बार फिर 9/2 है और ए टू टू की जो वैल्यू है वो 8 है। तो ये वो मैट्रिक्स है जिसका जनरल एलिमेंट आई प्लस जे होल स्क्वायर अपॉन 2 की फॉर्म में लिखा जाता है। तो इस क्वेश्चन में हमें दो तीन पार्ट्स दिए हुए हैं, तीन पार्ट्स दिए हुए हैं, बाकी दो पार्ट्स आप अपने आप करें, इसी तरह से अभ्यास कर सकते हैं। पांचवा जो क्वेश्चन है उसके अंदर भी हमें एक मैट्रिक्स बनाना है, मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन करना है, लेकिन इस बार ऑर्डर चेंज कर दिया गया है और इस बार जो हमें मैट्रिक्स दिया गया है उसका ऑर्डर है 3x4 और जो आईजीएथ एलिमेंट है उसका रूल भी हमें दिया गया है। तो हम इसका फिफ्थ पार्ट का फर्स्ट पार्ट लेते हैं और आईजीएथ एलिमेंट हमें दिया हुआ है कि 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ -3i+j या मॉडुलस ऑफ 3i+j 3x4 का मैट्रिक्स हमें बनाना है। आप रफ में पहले इस मैट्रिक्स को लिख लें, तो रफ में हम लिखते हैं तो हमें मैट्रिक्स में लेनी होगी रो 3 और कॉलम 4। तो 3 रो यानी पहली रो में 4 कॉलम, दूसरी रो में भी 4 कॉलम, तीसरी रो में 4 कॉलम। तो ये जो एलिमेंट होगा फर्स्ट रो में है यानी 1 1 1 2 1 3 और 1 4, ये फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को हमने लिखा है। अब उसके बाद बारी आती है सेकंड रो वाले एलिमेंट्स की, तो a21 a22 a23 और a24। अब थर्ड रो वाले एलिमेंट्स होंगे a31 a32 a33 और a34। आपको जब प्रैक्टिस हो जाएगा आप सीधे लिख भी सकते हैं। अब मुझे 12 एलिमेंट्स फाइंड करने हैं, मैं बारी बारी से इन सब की वैल्यू फाइंड करूंगा। पहले हम a11 फाइंड करें, ये होगा 1/2। अब आपको i की वैल्यू 1 लेनी है और j की वैल्यू भी 1 लेनी है, तो -3x1 यानी -3+1, तो -2 का आपको मैग्नीट्यूड लेना है जो कि 2 होता है, यानी इसकी वैल्यू हो गई 1। उसके बाद आप लिखें 1 2, तो a12 होगा 1/2, i की वैल्यू आपको 1 ही रखनी है लेकिन j की वैल्यू जो लेनी है वो 2 रखनी है। -3+2 यानी -1, तो -1 का मॉडुलस लेंगे जो कि 1 होगा, तो 1/2 × 1 यानी 1/2 हो गया। अब आप लें a13, तो 13 होगा 1/2, i 1 ही रखना है लेकिन j इस बार 3 हो जाएगा, -3+3 यानी 0 हो गया और 0 को आप किसी भी नंबर से डिवाइड करें 0 ही आएगा। उसके बाद बारी आती है a14 की, तो अब हम लिखेंगे i की वैल्यू 1 लेकिन j की वैल्यू इस बार हो जाएगी 4, -3+4 यानी 1 हो गया और मैग्नीट्यूड लेने पर 1 है ही और 2 से डिवाइड करेंगे तो यानी वैल्यू हुई 1/2। तो अभी हमने फर्स्ट रो के एलिमेंट्स कंप्लीट कर लिए। इसके बाद हम लेते हैं सेकंड रो के एलिमेंट 2 1, तो इस बार आपको i की वैल्यू 2 रखनी है, आई जैसे ही आप 2 रखेंगे -6 लेकिन j 1 रखेंगे, तो -6+1 को ऐड करा, -5 मैग्नीट्यूड लिया, +5 5/2। अब a22 यानी 1/2 -6+2, i के लिए आप 2 यूज करेंगे, j के लिए भी 2, -4 का मैग्नीट्यूड यानी 4 4/2 यानी कि 2। फिर a23 आप ले 1/2 -6, i j की जगह आप लिखेंगे 3, तो -3 उसका मैग्नीट्यूड हुआ 3, तो 3/2। उसके बाद है a24 1/2, i आपको 2 लेना है यानी -6 और j लेना है 4, तो -6
प्लस फोर आपने लिखा, माइनस टू हुआ, उसका मैग्नीट्यूड लिया टू, तो टू अपॉन टू यानी आप इसको वन लिख दें। अब सिर्फ एक रो के एलिमेंट्स हमारे रहते हैं और वो है थर्ड रो, तो ए थ्री वन की जो वैल्यू है आपको आई की जगह थ्री रखना है, तो माइनस नाइन प्लस वन, जे आपको वन रखना है, आई थ्री रखना है, तो माइनस एट, और जब मैग्नीट्यूड लेंगे तो आप लिखेंगे एट बाई टू यानी कि फोर। ए थ्री टू, वन बाई टू, माइनस नाइन प्लस टू, यानी माइनस सेवन का मैग्नीट्यूड जो कि सेवन होगा, सेवन बाई टू। ए थ्री थ्री यानी वन बाई टू, आई आपने थ्री रखा, जे भी थ्री रखा, माइनस नाइन प्लस थ्री यानी माइनस सिक्स, उसका मैग्नीट्यूड हुआ सिक्स, सिक्स बाई टू यानी थ्री। और ए थ्री फोर यानी वन बाई टू, माइनस नाइन प्लस फोर, माइनस फाइव रिजल्ट आएगा, मैग्नीट्यूड फाइव होगा, आंसर फाइव बाई फोर। अब हम सभी वैल्यूज फाइंड कर चुके हैं, अब हम मैट्रिक्स बना लेते हैं, तो जो मैट्रिक्स बनेगा हम इसकी वैल्यू यहां पर रखते चलते हैं। ए वन वन की वैल्यू है वन, ए वन टू यानी वन बाई टू, ए वन थ्री यानी जीरो, और ए वन फोर यानी वन बाई टू। सेकेंड रो के एलिमेंट होंगे फाइव बाई टू, टू, थ्री बाई टू और वन। थर्ड रो के एलिमेंट है फोर, सेवन बाई टू, थ्री और फाइव बाई फोर। तो ये हमारा रिक्वायर्ड मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स जो है हमारा, सॉरी इसको आप ठीक कर लें, फाइव बाई टू। तो ये हमारा रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है। तो आपको किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया जाए, आपको सिर्फ उसका जनरल रूल मालूम होना चाहिए, आप उस मैट्रिक्स को बना सकते हैं। आइए अब हम अगला क्वेश्चन लें। तो अगला जो क्वेश्चन है ये इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स पर बेस्ड है। ये क्वेश्चन है कि x, y और z की वैल्यू आपको बतानी है, जहां दो मैट्रिक्स हमें दिए हुए। ये हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करें उससे पहले हम इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का कंसेप्ट समझ लेते हैं। दो मैट्रिक्स को हम इक्वल मैट्रिक्स तभी कह सकते हैं जब दो कंडीशंस हमारी पूरी हो जाती हैं। पहली कंडीशन है कि उन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए और उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी बराबर होने चाहिए। तो अब हम बात करते हैं ये दो मैट्रिक्स की, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर आप देख रहे हैं दोनों ही बराबर हैं, टू इंटू टू के मैट्रिक्स हैं। तो अब अगर ये बराबर हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी बराबर होने चाहिए। तो सबसे पहले फोर और वाई की अगर हम तुलना करें तो फोर और वाई बराबर होने चाहिए, यानी आपको वाई की वैल्यू मिल गई कि वाई फोर है। इसी तरह से जेड की वैल्यू थ्री होनी चाहिए और एक्स की वैल्यू वन होनी चाहिए। तो जब भी आप कंपेयर करें दोनों के, आप ऑर्डर चेक कर लीजिएगा और दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप इक्वल कर दें, तो आप जो भी अननोन वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। अब अगला जो क्वेश्चन हम ले रहे हैं ये हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, दूसरा पार्ट है इसी का। तो दूसरा पार्ट है जिसमें हमें लिखना है, जो दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं वो है एक्स प्लस वाई टू और फाइव प्लस जेड एक्स वाई
और ये मैट्रिक्स इक्वल हमें दिया हुआ है 6, 2, 5 और 8 के। यहां पर भी हमें x, y और z की वैल्यू फाइंड करनी। तो जब ऑर्डर हम चेक करते हैं तो ऑर्डर दोनों का सेम है, 2 × 2 है। तो अब हम कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को भी चेक कर लें। आपको जब भी मैट्रिक्स दिए जाए तो कांस्टेंट को जरूर चेक कर लें कि जो कांस्टेंट्स हैं वो सेम है या नहीं है। अगर कांस्टेंट्स सेम नहीं है तो कभी भी इक्वल नहीं होंगे, और अगर आप चेक करने पर ये पाते हैं कि कांस्टेंट डिफरेंट हैं तो हो सकता है आपने लिखने में कहीं गलती कर दी हो, तो उसको भी एक बार जरूर चेक कर लें। फिलहाल हम जब कंपैरिजन करते हैं A11 का तो हमें मिलता है x प्लस वाई इक्वल टू 6। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दें। इसी तरह से दोनों कांस्टेंट इक्वल हैं, x और y का जो प्रोडक्ट है वो 8 है, और 5 प्लस z की वैल्यू 5 होनी चाहिए। तो तीसरी इक्वेशन से आप z तो तुरंत बता देंगे। तो फ्रॉम थर्ड इक्वेशन वी कैन से कि z तो 0 है, 5 माइनस 5 यानी 0। अब बात आती है इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करने की। तो इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, x और y की वैल्यू बताएंगे। तो पहली इक्वेशन से आप लिख सकते हैं कि y की जो वैल्यू है वो 6 माइनस x। y की जो वैल्यू हमें मिल रही है उसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। तो उसको अगर मैं इक्वेशन 2 में यूज करता हूं, यूजिंग 1 × 2 वी गेट x × 6 − x = 8, यानी कि 6x − x² = 8। यानी आप इसको ये भी लिख सकते हैं, x स्क्वायर को ट्रांसफर कर दीजिए राइट साइड में, 6x को भी कर दीजिएगा, तो x² − 6x + 2 = 0। इसके आप फैक्टर आराम से कर पाएंगे, तो इसके फैक्टर में सीधे लिख देता हूं x − 4 और x − 2 हो गए, यानी x की वैल्यू 4 होगी या x की वैल्यू 2 होगी। यानी दो पॉसिबिलिटीज हैं, x 4 भी हो सकता है और x 2 भी हो सकता है। अगर x 4 है तो ऐसी स्थिति में y की वैल्यू 6 − 4 यानी 2 होगी, और अगर x 2 है तो y की वैल्यू समय 6 − 2 यानी 4 हो जाएगी। z यहां पर यूनिक है, z यहां 0 होगा, x की वैल्यू 4 हो सकती है, जिस समय x 4 होगा तो y 2 होगा, और जिस समय x 2 होगा तो y 4 होगा। तो आप इन वैल्यूज को यहां रखकर चेक भी कर लीजिए। अगर आप x 4 लेते हैं और y 2 लेते हैं, 4 प्लस 2 बनेगा, राइट साइड में 6 ही है, 2 और 4 लेते हैं तो भी ये सही है, x 4 लेते हैं y 2 लेते हैं तो भी सही है, और 2 और 4 लेते हैं x और y की वैल्यू तो भी सही है। यानी ये जो हमारे आंसर्स हैं दोनों ही सही हैं, x 4 और y 2 या x 2 और y 4 और साथ में z, दोनों ही परिस्थितियों में 0 होगा। अब एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7। सेवंथ क्वेश्चन में भी इसी प्रकार से इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का ही एक क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सेवंथ क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि a − b और 2a − b (2a + c) और (3c + d) ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल है। अब जो मैट्रिक्स इक्वल है वो हमें दिया हुआ है −1, 5, 0 और 30। तो जब हम पहला काम देखते हैं कि हमारा मैट्रिक्स जो दिया हुआ है उनके ऑर्डर सेम है या नहीं, तो ऑर्डर्स तो सेम है। अब कॉरस्पॉन्डिंग जो कंपोनेंट्स हैं उनका हम कंपैरिजन कर देते हैं। जब कंपैरिजन करेंगे तो हमें मिलेगा कि a - b की वैल्यू -1 होनी चाहिए इक्वेशन 1,
और साथ में ही 2a माइनस बी भी लिख देते हैं जो जीरो के बराबर होना चाहिए, यानी 2a और b बराबर होने चाहिए जब आप सॉल्व करेंगे इसको, तो यानी b की वैल्यू 2a मिलेगी। b की वैल्यू जो हमें मिली है 2a, उसे हम इक्वेशन वन में यूज करते हैं। तो a माइनस 2a हमें मिलता है माइनस वन, यानी माइनस ए की वैल्यू हमें मिलेगी माइनस वन। तो आप कह सकते हैं कि ए की वैल्यू वन है। अब ए की वैल्यू अगर वन है तो ए की वैल्यू वन रखते इक्वेशन टू में, तो बी की वैल्यू होगी टू ए यानी कि टू। तो ए और बी तो हमें मिल गए। अब बारी आती है सी की, लेकिन अगर मैं 2a प्लस c की वैल्यू फाइंड करूं तो मुझे दिया गया है कि 2a प्लस c की वैल्यू 5 है। a हम मालूम कर चुके हैं, a 1 है, तो यानी 2 प्लस c की वैल्यू होगी 5, तो c होगा 3। अब आपने c भी फाइंड कर लिया है। जब c आप फाइंड कर चुके हैं तो d भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि 3c और d का सम जो है वो 13 है। c आपने मालूम कर लिया तो 3 × 3 + d = 13, तो d आप लिख सकते हैं 13 − 9 यानी कि 4। तो अब आपने a b c d चारों वैल्यूज फाइंड कर ली हैं। यहां पर a 1 है, b 2 है, c 3 है और d 4 है। तो ये जो दो क्वेश्चन अभी लास्ट में हमने किए हैं, ये इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस पर बेस्ड है। इससे पहले हमने जो क्वेश्चन किया था वहां हमने कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स किया था। तो आमतौर पर हरियाणा बोर्ड में इन दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर हमसे पूछ लिया जाता है, छोटा क्वेश्चन होता है, जो या तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स पर बेस्ड होगा या आपसे एक मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन करवा लिया जाता है। तो दोनों बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, आप आराम से इसको कर सकते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन है, छोटे क्वेश्चंस हमारे पास बचे हुए हैं। जो 9th क्वेश्चन है वो आप इसी प्रकार से कर लेंगे जैसा अभी हमने किया है, ये इक्वलिटी का क्वेश्चन। और अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 8। 8th क्वेश्चन में हमें एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है। तो मैट्रिक्स अब लिखा हुआ है किस तरीके से, मैट्रिक्स में लिखा हुआ है ए ए मैट्रिक्स में आईजे जैसे एलिमेंट हैं और उसका जो ऑर्डर है वो m × n का है। हमसे पूछा गया कि ये मैट्रिक्स किस स्थिति में स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, यानी m और n की वैल्यूज में क्या रिलेशनशिप होगी अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इसके लिए हमें सिर्फ डेफिनेशन का पता होना चाहिए। हमने कल पढ़ा था किसी भी मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स उसमें इक्वल होते हैं। तो फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स तो एक ही कंडीशन हमारे पास बच गई है कि नंबर ऑफ रोज जो कि एम है, नंबर ऑफ कॉलम्स जो कि एन है, एम और एन दोनों बराबर हो जाने चाहिए। अब 10वां क्वेश्चन है कि 3 × 3 के कितने मैट्रिक्स बनाए जा सकते हैं, तो यानी 3 रो और 3 कॉलम वाले कितने मैट्रिक्स बनाए जा सकते हैं जिसका हर एलिमेंट या तो 0 होगा या 1 होगा। यानी आपको ऐसे मैट्रिक्स बनाना है जिसका ऑर्डर तो 3 × 3 होगा लेकिन जो उसके अंदर एलिमेंट्स होंगे, दो ही प्रकार के एलिमेंट्स होंगे, आइदर इट विल बी 0 और इट विल बी 1, क्योंकि आपके पास 9 एलिमेंट हैं। किसी भी एलिमेंट को आप दो में से ही चूज कर सकते हैं, या तो आपको 0 लिखना है या 1 लिखना है, यानी पहला एलिमेंट आप दो तरीके से चूज कर सकते हैं। इसी तरीके से आप दूसरा जो एलिमेंट है उसको चूज करने के भी आपके पास तरीके दो ही हुए, तीसरे एलिमेंट को भी चूज करने के तरीके दो ही हुए। तो इस तरीके से आपको 9 एलिमेंट चूज करने हैं। तो
कुल तरीके आप फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग जो 11th में पढ़ चुके हैं उसके अनुसार दो को आप 9 बार गुणा करें तो 2 की पावर 9 यानी कि ऐसे 512 तरीके हमारे पास हो गए। 512 मैट्रिसेस हम बना सकते हैं डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के साथ में, जहां पर हम सिर्फ दो ही एलिमेंट यूज करेंगे, 0 और 1। तो प्यारे बच्चों, आज हमने दो बातें विशेष तौर से सीखी हैं, कैसे किसी मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन करते हैं और इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स पर बेस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करके और अननोन वेरिएबल्स की वैल्यू निकालते हैं। आज आप इन क्वेश्चंस की खूब प्रैक्टिस कीजिए। अगले लेक्चर में हम आपसे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।